नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सनातन सार यूट्यूब चैनल पर। एक चरित्र याद आ गया मुझे कथा का कि एक पति की पत्नी की नौकरी दिल्ली में लग गई और एक पति की पत्नी कहीं मर गई। पति उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा था और अंतिम संस्कार कर आ रहा था। जिस पत्नी की दिल्ली में नौकरी लगी थी उसने अपने पति को फोन लगाया तो वो फोन रॉन्ग नंबर पहुंच गया। इसी के पास पहुंचा जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था और उसके पास फोन आते सी बोला, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 15 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। पति चक्कर खा के नीचे गिर गया। सारे गांव के लोगों ने पानी डाल के उठाया, भैया हुआ क्या? वो पहुंच के फोन लगा रही, मैं पहुंच गई, 15 दिन में बुला लो। इतने में गांव के लोग बोले, अरे तो कोई फोन लेके गई क्या? तब नंबर चेक करा तो वो दिल्ली की नारी थी बेचारी, वो अपने पति को लगा रही थी, इसको लग गए। अब शुद्धता नहीं है महाराज, शुद्धता। निवेदन किया कुबेर जी महाराज, अब रिद्धि सिद्धि पंखा ले रहे, गणेश जी भोजन कर रहे और कुबेर जी की पत्नी जिमा रही। गणेश जी 33 कोटि देवताओं का भोजन 15 मिनट में खा रहा, 15 मिनट में गणेश जी पूरा खा गए। इतने में कुबेर जी की धर्मपत्नी पूछी, पानी लेके आऊं? तो गणेश जी बोले, अभी नहीं, अभी टाइम है। सनातन सार यूट्यूब चैनल, भोजन ला। पत्नी गई कुबेर के खजाने में, जितना सूखा सामान था, आटा चावल दाल सब ला कर दे दिया। गणेश जी वो भी खा गए सब। पत्नी की आंख में आंसू भर गए। दौड़ती दौड़ती कुबेर जी के पास पहुंची। कुबेर जी से बोला, प्रभु गणेश जी को क्या हुआ? नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ, जो हुआ अपने को हुआ, सब निपटा गया। अच्छा, सब खा गया? हाँ, 33 कोटि, हाँ, और सूखा भी खा गया। गणेश जी की आंख में तुरंत, कुबेर जी की आंख में आंसू भर गए। अब करूंगा क्या, लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, शान समाप्त हो जाएगी। तुरंत कुबेर जी नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा, तुम शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास गए, भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने पूछा, क्या हुआ? तो गणेश जी सब खा गए। तो भगवान शंकर बोले, तू ही तो बोल रहा था इतना नशा क्या खाएगा, ले ये दुर्वा लेके जा और दुबा गणेश जी को देना और कहना शंकर जी ने भेजी है। प्रभु एक दुबा से क्या होगा? कुबेर जी जाते जाते दुबा की गड्डी बना के ले गए। उनने कहा, खाया इतना है तो दुबा भी इतनी होना चाहिए। अब दुर्वा की गड्डी बना कर ले गए, गणेश जी को दिया। गणेश जी ने जैसी दुबा मुंह में रखी, गणेश जी खड़े हो गए। खड़े होकर तोंद पे हाथ फेर के बोले, कल का टाइम बताओ। कुबेर जी बोले, तेरे हाथ जोड़ू जब तक कोई बुलाए नहीं, मत जान, चले जाए यहां से। तब से नियम है, गणेश जी को लोग बुलाते भी हैं और विसर्जन भी करते हैं। गणेश चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। गणेश जी पावी, तो यहाँ पर भगवान गोवर्धन नाथ जी के सम्मुख में पकवान ढेर सारे रखे हुए हैं, बहुत पकवान रखे हुए। हाथ जोड़ के निवेदन करा जा रहा है, हाथ जोड़ के विनती करी जा रही है कि राज बाबा के सम्मुख में रखे हुए पकवान के सामने भगवान कृष्ण कह रहे हैं, पधारो। भगवान हजारों हाथ कर कर भोजन को पा रहे हैं, हजारों हाथ कर। और भगवान हाथ कर कर जब भोजन को पाने लगे, मेरे गोवर्धन नाथ जी ने जब हजारों हाथ करे और भोजन को पा रहे हैं, सारे पात्र भगवान ने खाली कर दिए, सारे पात्र। अब ब्रजवासी आपस में बात कर रहे हैं कि पूरा के पूरा खा जाएगा तो अपन क्या खाएंगे? इस जगह पर इंद्र देवता होता तो थोड़ा छोड़ के जाता, ये तो पूरा ही खा गया। अच्छा, जगत की सबसे बड़ी विचारधारणा ये बड़ी विचित्र है। भगवान खा नहीं रहे थे तो लोग कह रहे थे पत्थर है, अब भगवान खा गए तो क्या के बताओ, ये तो पूरा ही खा गया, इंद्र होता तो छोड़कर जाता। ये दुनिया की बड़ी विचित्र सोच है। आप किसी के यहाँ जाओ और किसी ने समोसा, कचौड़ी, इमरती, जलेबी सब रख दिया और तुम्हें भूख भी बहुत लग रही है और तुम पूरा खा गई,
तो अंदर से आवाज आएगी कैसी हपसन है, पूरा खा गई राक्षसी जैसे चरी जा रही अंदर से। और तुम किसी की यहां जाओ और केवल एक बिस्कुट उठा के ऐसे मुंह से छू कर रख दो तो अंदर से आवाज आएगी अपने आप को हीरोइन समझ रही है। होता है कभी कभी अशोक भैया महेश भैया हो जाता है, कई बार जजमान के यहाँ जाए, हम भी कई बार जजमान के यहाँ जाते हैं। अब इतना सारा सामान रखा रहता है, बहुत लंबा सफर करके जाए और भूख भी बहुत तेज लगे, अब गुलाब जामुन भी रखी, दादा इमरती भी रखी, समोसा भी रखा, मिक्सचर भी रखी, अब भूख भी बहुत तेज लग रही, अब सोचे खाएं कि नहीं खाएं, अब जजमान भी वही छाती पे खड़ा भगवान अब खाए सोचे, अब मन में थोड़ा सा खा लिया एक किशमिश उठा के खा, अब भूख इतनी तेज लग रही भाई किसमिस से क्या हो। अच्छा जजमान बोल भी रहा है और भी ले लो गुरुजी, पर उनका मुंह देख के नहीं भारी कि ये घस के तो रसगुल्ला डाले। अब सनातन सार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है भोजन का प्रिय। एक पंडित जी एक जगह भोजन करने गए और भोजन करने गए और वहां पर भोजन करा, अम्मा जी ने बहुत प्रेम से भोजन कराया, पर पंडित जी ऐसे बैठे सामने रसोई घर का, रसोई घर में पापड़ दिख रहे थे। अब पंडित जी ने देखा सारा खाना ला दिया अम्मा ने पर पापड़ नहीं लाई, तो पंडित जी के मन में आया पापड़ भूल गई डोकरी, अब क्या करा जाए। इतने में जैसी अम्मा जी आई हो गया पंडित जी हाँ, पर माता जी आज आने में देरी हो गई। इतने माता जी पूछे हाँ गुरु जी मैं तो पूछ नहीं भूल गई तुम इतनी लेट क्यों आए। अरे अम्मा क्या बताऊं, आ रहा था रस्ते में इतना लंबा सांप, यहां से वो पापड़ धराए नहीं वहां तक का। इतने में अम्मा जी बोली गुरु जी पापड़ रहेगा मैं अभी लेके आई वो पापड़ लेके चल। अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण महाराज चले, अब भगवान खाए तो कह दिया कि बताओ अब सी, और नहीं खाए तो के पत्थर। दुनिया के लोग कहे बिना नहीं रहेंगे साथ।